Hello, bacho. Let's see this question. And the question says, in Abelmoscus esculentus, Bhindi, the resistant genes are transferred from a wild species against yellow mosaic virus, resulted in a new variety of Abelmoscus esculentus called option A, Pusa swarnim, option B, Himgiri, option C, Pusa sadabahar, option D, Parbhani kranti. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस यानी कि भिंडी, उसमें रेजिस्टेंट जीन्स जो कि ट्रांसफर हुए हैं एक वाइल्ड स्पीसीज से, वो भी येलो मोजाइक वायरस के अगेंस्ट, और बनाया है एक नया वैरायटी एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस का, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है पूसा स्वर्णिम, ऑप्शन बी दिया गया है हिमगिरी, ऑप्शन सी दिया गया है पूसा सदाबहार, और ऑप्शन डी दिया गया है परभानी क्रांति. की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेगा कि प्लांट ब्रीडिंग में कैसे कैसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और इसमें एडवांसेस कैसे आ रहे हैं. एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस, इसमें जो रेजिस्टेंस आता है येलो मोजाइक वायरस में, वो किस प्रकार के प्लांट ब्रीडिंग से आया है, और हमें जानना है कि इसमें जो नया स्पीसीज बना है उसका नाम क्या है. प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के दो प्रोसेसेस होते हैं. एक होता है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग यानी कि जो पुराने तकनीक होते हैं, और दूसरा होता है नए मेथड्स. और नए मेथड्स में कई सारे मेथड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आजकल. एक होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज किया जा रहा है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग. कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है कि पहले सिलेक्ट करते हैं एक वाइल्ड वैरायटी उसी प्लांट का जिसके पास वो डिजीज रेजिस्टेंट जीन होता है, फिर उसे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नया प्लांट बनता है उनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन होने के बाद इन प्लांट्स को करते हैं कई जेनरेशन के लिए इनब्रीडिंग, और इनब्रीडिंग के बाद वो डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर फिक्स हो जाता है. ऐसे ही होता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग. और कन्वेंशनल ब्रीडिंग के कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, वो है जैसे कि हिमगिरी. हिमगिरी एक प्लांट ब्रीड है जो कि वीट का इम्प्रूव वेराइटी है, और वो प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंट लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट से. ये डिजीज कई सारे फार्मर्स को प्रॉब्लम करता है क्योंकि इससे वीट का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा घट जाता है. इसीलिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग से बनाया गया है हिमगिरी जो कि रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट. हमें जानना है भिंडी के बारे में. भिंडी जो कि कहा जाता है एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस, वो होता है भिंडी का साइंटिफिक नेम, और ये साइंटिफिक नेम को ऐसे भी लिखा जाता है ए एस्क्यूलेंटस. नॉर्मल जो भिंडी के वैरायटीज होते हैं वो अफेक्टेड हो रहते हैं एक वायरस से जिसका नाम है येलो मोजाइक वायरस. ये कई सारे भिंडी के वैरायटीज को अफेक्ट करता है, यील्ड घटाता है, और बहुत सारे लॉसेस होते हैं. इसे ओवरकम करने के लिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग का हेल्प लिया गया, और कन्वेंशनल ब्रीडिंग के हेल्प से एक वाइल्ड वैरायटी का सिलेक्शन हुआ जिसमें येलो मोजाइक वायरस का डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर था, उससे कन्वेंशनल ब्रीडिंग हुई, और उसके बाद जो नया प्लांट बना उसे कॉमनली कहा गया परभानी क्रांति, और यही है नया इम्प्रूव वैरायटी भिंडी का, और ये रेजिस्टेंट है येलो मोजाइक वायरस से. हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस, जिसके पास रेजिस्टेंट जीन्स ट्रांसफर हुए हैं वाइल्ड स्पीसीज से येलो मोजाइक वायरस के अगेंस्ट, जो नया वैरायटी बना है ई एस्क्यूलेंटस, उसका नाम है ऑप्शन डी परभानी क्रांति, और बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं पूसा स्वर्णिम वो है ब्रासिका का इम्प्रूव्ड वैरायटी, हिमगिरी वीट का है, और पूसा सदाबहार ये चिली का वैरायटी है. I hope you understood the solution. Thank you and all the best.